हाय गुड इवनिंग सब लोग, आगे आवाज आ रही है सबको? यस सर, गुड इवनिंग सर। नहीं सर, आवाज में है। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। कोई बात नहीं, तू मत सुन, चलेगा, वीडियो देख लेना बाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है? लास्ट डे तक हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, उस पे बेस्ड एग्जांपल्स किए थे। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सी, इसमें क्या होता है कि कोई भी डिग्री के इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना, किसी भी डिग्री के इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, डिग्री फाइव का हो, कोई भी हो, हम लोग उसके बारे में रिलेशन रूट्स और कोएफिशिएंट का देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्यूबिक की बात करूं, सपोज एक इक्वेशन है y equals to ही, या एक पॉलिनोमियल है y equals to, या फिर fx equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, ये एक बाई क्वाड्रेटिक है। अब इसके रूट्स और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा अपने को ढूंढना है। तो इसके भी रूट्स क्यूबिक है तो थ्री रूट्स होंगे, तीनों को मैं अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर लेता हूं, अल्फा बीटा एंड गामा बोल दिया मैंने, गामा को ऐसे लिख दिया, ओके? तो अब रिलेशन बिटवीन रूट्स क्या होगा, उसके लिए अल्फा इसका रूट है, एक्स माइनस अल्फा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? बीटा रूट है तो एक्स माइनस बीटा भी फैक्टर हो जाएगा, गामा रूट है तो एक्स माइनस गामा भी उसका ही फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बताओ? अरे बोलो। हाँ सर। यस। साथ में एक कांस्टेंट k हो सकता है, साथ में एक कांस्टेंट k हो सकता है। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे x माइनस अल्फा इंटू x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस बीटा गामा, और ये इक्वल्स टू, अब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये मल्टीप्लाई होके ये बनेगा, ओके? एंड जब ये के से मैं उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। आ रही है समझ में बात? बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? नो सर। अब आप ही बताओ, ये भी y या ये भी fx है, ऊपर वाला भी fx है, तो क्या दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं ना। जैसे आप कंपैरिजन करोगे तो k इक्वल्स टू आपको मिलेगा a, है ना? इसको मैं इक्वेशन वन बोल देता हूँ, दिस इज इक्वेशन टू। तो जब इसे आप कंपेयर करने जाओगे, comparing equation 1 and 2, आपको k equals to a मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, ये x cube का coefficient compare किया तो k equals to a आया। अब x square का coefficient compare करेंगे तो minus k into alpha plus beta plus gamma equals to क्या आएगा, minus b। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, माइनस, माइनस बी नहीं, सिर्फ बी आएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय के का वैल्यू ए था। तो क्यूबिक के केस में भी रूट्स का सम माइनस बी बाय ए ही आता है। आ रही है बात समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। नहीं ना? अरे बोलो। नो सर। yes. This equals to क्या हो जाएगा, C constant, तो alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to क्या हो जाएगा, C by K, that is C by A, and constant term की बात करें तो minus K alpha beta gamma equals to D आएगा, and alpha beta gamma equals to minus D by K, तो A है, ये आ जाएगा। तो by quadratic के केस में आप देख सकते हो कि sum of the roots alpha plus beta plus gamma, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम मतलब एक बार में दो रूट लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं, मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा। आप मैसेज कर रहे हो युवराज? आई एम टीचिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके गुड इवनिंग हर्षल। युवराज बट मैंने आपका नाम पहले भी देखा है, आई थिंक मैंने पहले भी आपका नाम देखा है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आज सेकेंड लेक्चर ही है और अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पहले से इतना कुछ लिंक कनेक्शन है। ओके बोलो, आपका माइक खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, आप बोल सकते हो। युवराज मैंने आपको पहले भी देखा है, पता नहीं कि मुझे याद हो कोई उस नाम का कोई और होगा बट आई थिंक आप पहले भी थे। आप न्यू एडमिशन हो युवराज सिंह? कुछ बोलो यार। यस सर। ओके 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 ठीक है। नाम क्या है आपका? युवराज सिंह। ओके युवराज, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, उसका वीडियो अवेलेबल है वेबसाइट पे, सॉरी यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल। आप मुझे मैसेज करना, मेरा नंबर है ग्रुप में जिससे आपको गया होगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा वीडियो का, वो आप देख लोगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। फर्स्ट मींस फर्स्ट लेक्चर और ये सेकंड लेक्चर है। ओके ओके सर। इतने लेट लेट से लोग आ रहे हैं, लाइन पे आया करो। चलो पहले तो ये कॉपी कर लो सब लोग। थोड़ा ऊपर कर ना। सर टॉपिक का ये क्या है, हेडिंग क्या है? सर वो लास्ट को लिखा है बीटा के नीचे, उसका मतलब क्या है? गामा। ये बीटा, ये तो पता होगा। सर जैसे जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ेगा वैसे वैसे तभी भी ये सेम ही होगा, ये जो भी रिलेशन आ रहा है। बताता हूँ आपको, जैसे मैंने ये क्यूबिक का बताया, ये आप लिखो तो सही, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो ये चीज सेम ऐसा ही बढ़ता जाएगा। मैं आपको भी बताता हूँ, ये लिख लो पहले। हो गया सर? 2 मिनट। तो इधर हम लोगों ने देखा कि क्यूबिक के केस में रूट्स का सम माइनस बी बाय ए। नाउ इफ बाय क्वाड्रेटिक होता है, fx equals to ax4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, तो इसके चार रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा और फिर लास्ट वाला डेल्टा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो अब इसके रूट्स का सम
उसको हम लोग सिग्मा अल्फा भी कई बार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिग्मा। तो ये जो साइन होता है, जो शायद आपने पहले कभी देखा हो, अगर नहीं देखा होगा तो अभी देख लो, दिस इज सिग्मा। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब ऐड करते जाना है आपने, है ना। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक के केस में बात हो रही है तो सिग्मा अल्फा आपके सामने दिख जाए तो आप खुद ही उसका मीनिंग समझ जाओ कि वो हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और ये इक्वल्स टू, आप सबको पता है क्या होगा, माइनस बी बाय ए। मींस बाय क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स फोर का कोएफिशिएंट, उसका हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। मींस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। और सिग्मा अल्फा बीटा, ये इसका मतलब हो गया टू एट अ टाइम। टू एट अ टाइम मतलब कि दो रूट को मल्टीप्लाई करके, ये वन एट अ टाइम था, ये टू एट अ टाइम मींस क्या हो जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी है, मतलब दो रूट्स को प्रोडक्ट करके जो भी पॉसिबिलिटी है सिग्मा अल्फा बीटा में हम लोग वो ले लेंगे। वो क्या क्या होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा देख लो और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला नेगेटिव था, देखो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, सी बाय। फिर सिग्मा अल्फा बीटा गामा कहीं लिखा, इसका मतलब हो गया थ्री एट अ टाइम। ये कैसे लेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, ये इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डी बाय ए। एंड अब सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोर एट अ टाइम में एक ही आएगा पॉसिबिलिटी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अगर सिग्मा लिख भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मीनिंग वही हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल्स टू, ये नेगेटिव था तो अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ई बाय ए। इस ए के कोएफिशिएंट आगे का लेते रहेंगे हम लोग, और ऐसी पॉसिबिलिटी जैसा कि आपने देखा क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में कुछ ऐसा ही था, तो बाय क्वाड्रेटिक में भी आप सेम कंपेयर करके देख सकते हो, यही आने वाला है। आ रही है बात समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को बोलो। नहीं सर, कॉपी करता हूं। नहीं ना, अब इसी में एक मिनट रुक जाओ फिर कॉपी करना। अब ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक की बात। तो कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता, ऐसे मैं उसको लिख देता हूँ, कोई भी डिग्री, एन डिग्री का, ए नॉट एक्स रेज टू एन प्लस ए वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू एन माइनस टू, एक एक डिग्री कम होता जाएगा टिल ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन, ऐसा कुछ होता है ना, और इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, ए नॉट ए वन ए टू, ये सब क्या है, सब रियल नंबर है, और ए नॉट कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, आपको ये पता है। तो फिर क्या क्या लेते हैं आप खुद भी बोल सकते हो, और इसके रूट्स में बोल देता हूं। इसके रूट्स आर, अब तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बाद कोई और तीसरा नाम तो होता नहीं है, तो मैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, कितने एन डिग्री का है तो अल्फा एन तक जाएगा, ये सारे उसके रूट्स हैं। देन सिग्मा अल्फा वन, इसका मीनिंग आप सबको पता है, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री टिल अल्फा एन, ये सब लेंगे हम लोग। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, क्या माइनस ए वन बाय ए नॉट हो जाएगा, बोलो आप लोग ही, होगा ना, बोलो। यस सर। और अगर मैं पूछूं आपसे सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू क्या होगा, वो हो जाएगा ए टू बाय ए नॉट। मैं आपसे पूछूं सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री क्या हो जाएगा, माइनस ए थ्री बाय ए नॉट, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और सारे रूट्स का प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अब डिपेंड करेगा, आप ही सोचो। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, क्वाड्रेटिक में याद हो तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव था, क्वाड्रेटिक का डिग्री टू होता है तो रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव था, क्यूबिक में डिग्री थ्री होता है तो प्रोडक्ट नेगेटिव था, या देखो यार प्रोडक्ट नेगेटिव आया था। वाई क्वाड्रेटिक अगेन रेज टू पावर फोर, एक इवन नंबर आया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल हो, डिग्री इवन है
तो रूट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है डिग्री तो फिर नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन रेस टू एन लिख सकते हैं। अब एन अगर इवन नंबर होगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, एन अगर ऑड नंबर होगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए एन बाय ए नॉट। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई, बोलो आया ना? Yes, चलो कॉपी कर डालो यहाँ से, बाय क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करो, जल्दी से कॉपी कर लो। सर वो फोर्थ साइन कौन सा है? डेल्टा। हो गया, और ये साइन आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है सर? वो माइनस बी बाय ए कैसे है, जैसे ऊपर क्यूबिक में आया था माइनस बी बाय कंपेयर करके, है ना, वैसे इसमें भी अगर आप करोगे कंपैरिजन तो माइनस बी बाय ए ही आएगा, ठीक है? ए माइनस में है क्या? ए माइनस में है मतलब सर वो समेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा का। हाँ तो ए माइनस में, इससे समझ में नहीं आया मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। नहीं सर मुझे लगा वो सर वो माइनस है। वो नीचे कैसे होगा यार माइनस? हो गया? नहीं सर 2 मिनट। चलो एक एग्जांपल करते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा
are the roots of the cubic x cube plus qx plus r equals to 0. Then find the equation whose roots are alpha plus beta, beta plus gamma and gamma plus alpha. 2 minutes try karo, fir main batata. क्या बता दूं सर? 2 मिनट नहीं सर, एक बता देता हूं। देखो तो आपका मन करेगा कि अपने को इक्वेशन कौन सा चाहिए। अपने को चाहिए x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इनटू x स्क्वायर प्लस इनटू बीटा प्लस, यहां तक तो आपका हिम्मत काम करेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे से हो जाएगा। लेकिन ये देख के थोड़ा सा आपको टफ लगेगा कि अच्छा ये तो टफ है, ये फाइंड करना तो मुश्किल हो जाएगा। इनटू एक्स और प्लस वो भी एक और गामा प्लस अल्फा इनटू अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस कांस्टेंट टर्म, मतलब उनका प्रोडक्ट भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
यस सर। लेकिन ये बहुत टफ होने वाला है, ये हम लोग कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, अभी कॉपी कोई मत करना, एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा, तो रूट्स का सम क्या होने वाला है? ओ वाओ, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, मतलब जीरो है उसका कोएफिशिएंट, मींस रूट्स का सम जीरो होने वाला है। आगे रूट्स के प्रोडक्ट टू एट अ टाइम की बात करें हम लोग, वो होगा q, q बाय वन तो q ही होगा ना, और वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, और उसका प्रोडक्ट होने वाला है माइनस r, यहाँ r था। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो। यस सर। है ना, अब अपने को पूछा गया था कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा रूट वाले इक्वेशन को ढूंढो। तो यहां से देखो एक बार, क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा बोल दूं? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्या यहीं से मैं बीटा प्लस गामा को माइनस अल्फा बोल दूं और गामा प्लस अल्फा को माइनस बीटा बोल दूं? बोलो, ये बात समझ में आई आप लोगों को? सर, पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो कैसे आ गया? क्योंकि इसमें रूट्स का सम होता है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट माइनस बी बाय ए। तो बताओ यहाँ बी का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है ना, तो बी का वैल्यू जीरो हो गया ना। अब ज्यादा से ज्यादा क्या लिख पाओगे? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ लिख पाओगे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो जीरो ही है ना। बोलो। हाँ सर, इसीलिए एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो हो गया। बाकी लोगों को ये बात समझ में आया ये जो मैंने लिखा है? बोलो, जल्दी बोलो यार। यस सर। मतलब कि अपने को इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अब माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा हो। अपने को एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा हो। तो अब यहाँ पे हम लोग सिमेट्री ऑफ रूट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों के साथ सेम हो रहा है, अल्फा बीटा गामा, जैसे क्वाड्रेटिक में किया था, अब वो याद करो। तो अब अगर मैं माइनस अल्फा को कैपिटल एक्स अज्यूम करता हूँ, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, और जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे, अब ये क्योंकि अल्फा इसका रूट है, ये क्यूबिक का रूट अल्फा है, तो एक्स की जगह पे अल्फा हम लोग रख सकते हैं प्लस क्यू इंटू अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। अब अल्फा इधर से क्या माइनस एक्स आएगा, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया। बोलो, आप लोगों को ये बात समझ में आया? सब लोग बोलो जल्दी। हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, अब थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स लिख सकते हैं उसके बदले में। क्या ये अपना आंसर हो जाएगा? बताइए। अरे बोलो, आया सबको समझ में? ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में? आया नहीं आया वापस से समझाऊं या हो गया? इसीलिए ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है? अरे वो तो समझ में आया, सब बोल क्यों नहीं रहे हो? सर वो एक बार लास्ट वाला पार्ट वापस समझा ना। अपने को इक्वेशन चाहिए जिसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा और माइनस गामा। तुम याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी सिमेट्री ऑफ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए, जब कुछ रूट्स में कुछ चेंजेस करके, तीनों ही रूट्स में या फिर क्वाड्रेटिक में तो दोनों ही रूट में कुछ सेम चेंजेस करके अपने को इक्वेशन फाइंड करने को बोला जाता था उन रूट्स के साथ, तो जो भी रूट होता था उसको हम लोग कैपिटल एक्स अज्यूम करते थे। तो यहाँ भी अल्फा बीटा गामा तीनों के साथ वही कुछ हो रहा है, तो मैंने माइनस अल्फा को एक्स अज्यूम कर लिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका रूट, ये जो इक्वेशन है एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसका रूट अल्फा है, तो x की जगह पे हम लोग अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो x की जगह जैसे अब अल्फा सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो मुझे ये इक्वेशन मिला अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर, और अल्फा का वैल्यू माइनस एक्स था, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। तो जैसे इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो माइनस एक्स होल क्यू प्लस क्यू इंटू अल्फा की जगह माइनस एक्स रखा है, और उसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर मिला एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल्स टू जीरो।
समझ में आया 40 लोग हो यहाँ पे और बोल सिर्फ एक दो जन रहे हो, बाकी लोगों ने क्या पान खा रखा है, बोलने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, बोलो समझ में आया? मुझे फील आएगा ना तो मैं भी और ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, समझा करो इन चीजों को, कॉपी करो। सर वो लास्ट टर्म क्या इक्वेशन थी कहां पर? आर क्वेश्चन में देखो ना क्या लिखा है मैंने, सब नीचे हो गए। तो वो बॉक्स में क्या लिखा है सिर्फ उतना पढ़ लो। अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ बॉक्स में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस गामा, कहाँ से आया तो यहाँ से आया। हो गया सर, सबका हो गया सर, सिर्फ हाँ सर इसी में एक और अपलोड कर लो, ये पहला पार्ट कर दो और सेकंड पार्ट इसका, इफ रूट्स आर अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये वाला करो। हाँ वो नेटवर्क इश्यू हो गया था, एक मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है सर। यस यस सर। Yes, sir. और कोई? सर आपके आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर, आ रही है सर। सर्वेश आप देखो आपका नेटवर्क तो खराब नहीं है।
चलो मैं बताता हूँ वापस से सेकंड पार्ट इसका क्या इक्वेशन था एक्स क्यूब क्या था प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो इसके रूट्स है अल्फा बीटा एंड गामा तो वापस से वही चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस क्यू को नहीं ये जीरो हो जाएगा ये क्यू हो जाएगा एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा अब अपने को पूछा गया था इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तो यहाँ से हम सर माइनस गामा क्या माइनस गामा मैं समझा नहीं सर वो क्वेश्चन में क्यूएक्स के बाद माइनस माइनस आ रहा है नहीं तो क्यूएक्स प्लस आ रहा है ना देखो ओके मेरे को लगा दूसरा वाला है नहीं ये वाला तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस आर बाय गामा यहाँ से बीटा गामा क्या हो जाएगा माइनस आर बाय अल्फा यहाँ से गामा अल्फा क्या हो जाएगा माइनस आर बाय बीटा मीन्स अब अपने को रूट्स अपने को इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये तीनों ठीक है ये रूट्स के साथ अपने को इक्वेशन चाहिए अब सबको पता है कि आपको दिख रहा है तीनों के साथ सेम स्टोरी हुआ है तो अब मैं क्या करता हूँ माइनस आर बाय गामा को या फिर अल्फा को x अज्यूम कर लेता हूँ तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर बाय एक्स हो जाएगा बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को नो सर तो अब जो भी इक्वेशन था एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर उसमें अल्फा तो रख ही सकते हैं और अल्फा क्या था माइनस आर बाय एक्स था फिर क्या हो जाएगा बताओ माइनस आर क्यू बाय एक्स क्यू माइनस क्यू आर बाय एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो एलसीएम एक्स क्यू ले लिया क्यू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स क्यू इक्वल टू जीरो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आर एक्स क्यू माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर माइनस आर क्यू इक्वल टू जीरो तो तीनों ही टर्म में आर है कॉमन ही ले लेता हूं ना पहले ही हटा देना चाहिए था क्या बचा एक्स क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये अपना फाइनल आंसर हो गया आई बात समझ में सबको चलो यहां से कॉपी कर लो yes. सर आपने बीटा और गामा को एक्स अज्यूम किया ना बीटा और गामा को एक्स अज्यूम नहीं किया माइनस आर बाय अल्फा को एक्स अज्यूम किया ठीक है अल्फा बीटा तो माइनस आर बाय गामा आ गया बीटा गामा माइनस आर बाय अल्फा एंड गामा अल्फा माइनस आर बाय बीटा आ गया ठीक है ओके सर कॉपी करो
गया। सर एक मिनट ऊपर करो बात। जल्दी करो इतना कब तक लिखोगे। Beta gamma are roots of x cube minus px square plus qx minus r equals to 0. Find the equation. Having roots alpha plus 1, beta plus 1, gamma plus 1. अब ये सबसे हो जाना चाहिए जल्दी कर भाई। ये सिमेट्री ऑफ रूट्स जैसा ही होगा। What is that? QX minus 6 or something? Minus half. हाय बोल। हाँ
हो गया सर. ओके एक का हो गया. चलो देखो किधर आर है. आर क्यूब नहीं बोला था आपने, मुझे नहीं समझ में आया. विष्णु किधर के बारे में बोला था आपने. ओके ठीक है. ओके सी एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो के रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है. तो वापस से अल्फा प्लस वन रूट का चाहिए, तो उसे एक्स अज्यूम करो, अल्फा इज एक्स माइनस वन. सेम प्रोसेस है. अब इसके बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग, तो ये हो जाना चाहिए आपसे. नाउ अल्फा इज रूट ऑफ दिस, सो पी इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू इनटू अल्फा माइनस आर इक्वल्स टू जीरो. अल्फा की जगह x माइनस वन रख देंगे हम लोग, माइनस पी इनटू x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस क्यू इनटू x माइनस वन माइनस आर इक्वल्स टू जीरो. एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस p इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस qx प्लस q माइनस r इक्वल्स टू 0. तो फिर क्या हो, x cube minus 3x square px square plus 2px minus p minus qx plus q minus r equals to 0. x cube का तो अकेला टर्म है, x square का 3 plus p into x square constant टर्म में 2p minus q plus 3 into x. सॉरी एक्स वाले ये टर्म हो गए और कांस्टेंट टर्म में माइनस पी प्लस क्यू पी प्लस आर पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू प्लस आर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. क्या ये आंसर आएगा बोलो. तो फाइनली आपको इस टर्म में इस फॉर्म में आंसर बोलना पड़ेगा, x cube minus something into x square plus something into x minus something equals to 0. Means x cube, x square, x or constant term ऐसे बोलना पड़ेगा. ठीक है, copy कर डालो. हो गया. सर इन द क्वेश्चन द इक्वेशन सेज प्लस क्यू. प्लस क्यू मींस आई डिडंट गेट यू, क्या बोल रहे हो आप. इट्स इट द इक्वेशन यू गिव इन द question is x cube minus p x square plus qx. Oh shit. Koi nahi. Hota hai. Pehle bolna tha, itna late se bola aapne. Wo sahi kar loge aap log.
या माइनस क्यू होगा। पेंसिल चलना भी बंद हो गया मेरा। अभी सही है? बोलो। यस सर। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट्स आपको याद रखना है और समझना है अच्छे से कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, एक दो मैंने बता दिया था कि इफ अल्फा इज रूट ऑफ एनी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स माइनस अल्फा, और x minus alpha is a factor of fx। याद आया आपको? Then x minus alpha is a factor of fx। दूसरा पॉइंट, कोई भी इक्वेशन होता है, एवरी इक्वेशन of degree n will have exactly n roots if the equation has more than n roots, then that equation is called what identity। ये मैंने आपको बताया, वापस से रिवीजन कर लिया। थर्ड पॉइंट, कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट इरेशनल आ रहा है, इरेशनल समझते हो ना, मिस रूट वाले टर्म में, तो अगर इरेशनल रूट आ रहा है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में होगा। कॉन्जुगेट में होगा मीन्स एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है या ए प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी ही होगा। इफ ऑल दी कोएफिशिएंट्स आर रैशनल देन, तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक is rational and alpha plus root beta, या alpha beta root नहीं है, बस लिखने का तरीका ही है कि alpha plus root beta लिख दिया, अब a plus root b भी लिख सकते हो, is one of the roots, then alpha minus root b will be the other root। फिक्स है ये, ठीक है, फिक्स है, ऐसा होना ही है, मींस दोनों हमेशा ऐसा ही रूट होगा। अगर अल्फा प्लस रूट बीटा रूट है तो दूसरा रूट एक रैशनल नंबर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं है पॉसिबल। या फिर ये तो क्वाड्रेटिक की बात की मैंने, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, एक क्यूबिक इक्वेशन है उसमें भी अगर अल्फा प्लस रूट बीटा एक रूट है, देन अल्फा माइनस रूट बीटा दूसरा रूट उसमें होगा, तीसरा रूट कुछ और होगा वो अलग बात, लेकिन दूसरा रूट अल्फा माइनस रूट बीटा ही हो, बाय क्वाड्रेटिक ही क्यों ना हो, हमेशा अल्फा प्लस रूट बीटा अगर एक रूट है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस एक दूसरा रूट उसका अल्फा माइनस रूट बीटा भी होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो। yes, sir. बाकी लोग बोलो यार, कोई बोलते नहीं हो। एनी डिग्री इक्वेशन इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर रैशनल एंड अल्फा प्लस रूट बीटा इज वन रूट, then
alpha minus beta will also be one of the roots. ठीक है, ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है. क्या ये बातें समझ में आ रही है? जल्दी बोलो बोलो. हाँ सर, ये बात हो गई अब रैशनल इरैशनल की. रियल में भी वही होगा कि अगर इमेजिनरी रूट होगा, कई बार डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, नेचर ऑफ रूट्स हम लोग देखने वाले हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रूट्स इमेजिनरी हो जाता है, रैशनल रूट रहता ही नहीं. तो इमेजिनरी रूट भी ऐसे ही होगा कि अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, आयोटा बीटा समझते हो ना, रूट माइनस वन को आयोटा बोलते हैं, आपको पता होगा ये, पता है ये बात? बोलो, रूट माइनस वन को आयोटा बोलते हैं. यस सर. नो सर. नो सर. अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है तो दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ही होगा. तो वो मैं पूरा इसमें लिख देता हूं कि इफ द कोएफिशिएंट्स आर रियल, अब यहां रियल की बात हो रही है तो कोएफिशिएंट्स रियल है, एंड अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इट्स रूट, देन अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो अ रूट. ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो दैट इज इमेजिनरी रूट्स. अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस बीटा आयोटा बीटा को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बोलते हैं. दैट इज इमेजिनरी रूट्स इन कॉन्जुगेट. ये एक पॉइंट हो गया. ठीक है, कॉपी कर डालो. कहां से? यहां से नहीं लिखा था अगर, तो यहां से जल्दी से लिख डालो. देख लिया, हो गया, जैसे ही हो जाए बताना प्लीज, मैं वेट करते रह जाता हूँ. सर थोड़ा क्या नीचे करो ये. सर इमेजिनरी रूट्स के बाद क्या लिखा है? सर सेकंड पॉइंट देखो. सेकंड पॉइंट दिखाऊं? ये ले. हाँ सर. यार मैंने सुना था कि जो प्रो वर्जन होता है इसका Zoom का, उसमें मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, बट ऐसा कुछ तो आ ही नहीं रहा है. कर सकते हो, लेकिन वो अगर एग्री कर लेगा तो हो जाए. वही ना यार, फिर क्या फायदा. 40 मिनट वाला ही अच्छा था, एक तो मिल जाता था. हो गया, अरे जल्दी लिखो, परसों तक लिखोगे क्या? हो गया सर. सर थर्ड पॉइंट. अरे तू थर्ड पे ही है अभी? या अल्लाह ए खुदा, जल्दी कर.
थर्ड पॉइंट लिख लिया ना तूने? अच्छा तूने थर्ड बोला था, मैंने फोर्थ लिखा है। एक बात और जान ले तुम लोग, अगर जैसे हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिख रहे थे ना, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है तो ऐसा फिक्स है कि उसका कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, मिनिमम वन रियल रूट होना ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक क्यूबिक इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक क्वाड्रेटिक का रियल रूट नहीं आएगा, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक क्वाड्रेटिक का एक भी रियल रूट नहीं है, जो दोनों रूट है दोनों इमेजिनरी है, बट ऐसा क्यूबिक के साथ नहीं होगा। ये चीज आपको और अच्छे से फील आएगी जब मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा क्यूबिक का, तब और मजा आएगा इसमें। पर अभी आप याद रख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि, और सिर्फ क्यूबिक का ही नहीं, एक कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री, कोई भी एक इक्वेशन है जिसका डिग्री 5 है, तो उसका भी एक रूट आएगा ही आएगा। मीन्स अगर ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री इक्वेशन का एटलीस्ट वन रियल रूट होगा ही होगा। लेकिन वही अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल या इक्वेशन है, उसका रियल रूट होगा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि उसके सारे रूट इमेजिनरी हो जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एवरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ऑफ डिग्री odd as at least one real root और एक और छोटा सा चीज में ऐड कर सकते हो, opposite to the sign, जो root होगा उसका sign जो होगा नहीं यार, वन भी ऑड है ना, अगर वन लीनियर है तो उसका भी तो एक रूट तो आएगा, रियल रूट आएगा ही। कोई भी ऐसा लीनियर इक्वेशन बता दे जिसका वन रूट नहीं आएगा, रियल रूट नहीं आएगा, आएगा ही। कोई भी इक्वेशन है आएगा ही, आइडेंटिटी हो तो अलग बात है, बट इक्वेशन है तो उसका रियल रूट आना ही है। तो डिग्री मोर देन 3 बोलने की जरूरत नहीं है, या 3 और मोर देन 3 बोलने की जरूरत नहीं है, अब कोई भी ऑड डिग्री वाले बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, एटलीस्ट वन रूट साइन अपोजिट टू दी लास्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये चीज यहां नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा, बाद में ये ऐड करेंगे हम लोग। बस इतना काफी, ये साइन के बारे में जब हम लोग ग्राफ्स देखेंगे ना तब मैं बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। याद रख के क्या फायदा, लिख लो। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सवाल है सॉल्व। x cube minus 12, नहीं एक्चुअली में ये x 4 है, x raised to 4 minus 12 x cube plus 53 x square minus 102 x plus 52 equals to 0 if one root is 3 plus root 5, एक रूट 3 plus root 5 है, तो बाकी रूट्स बताना है, सिंपल बात ही है, जल्दी करो। Thank you.
हो गया, जल्दी बोलो। यस सर। एक जन का हो गया, और कोई? देखो बताता हूं, तो इफ 3 प्लस रूट 5 एक रूट है, तो क्या सेकंड रूट क्या ऐसा होगा? बोलो, समझ में आ रहा है? तो x 3 प्लस रूट 5 एक रूट है, तो क्या ये एक फैक्टर होगा? अरे जल्दी बोलो। हाँ सर। क्या फिर ये भी एक फैक्टर होगा? तो x माइनस 3 माइनस रूट 5, तो x माइनस 3 प्लस रूट 5। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 9x 6x plus 9 minus 5, this x square minus 6x plus 4 एक factor हो जाएगा। अब वो जो बचपन की यादें आपकी, अगर थोड़ा सा याद करो आप, इससे divide कर देते हैं, बाकी दोनों, बाकी एक factor आ जाएगा quadratic, क्योंकि by quadratic है, quadratic factor मिल चुका है, minus 12x cube plus 53x square minus 102x प्लस 52, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो x 4 माइनस 6 x क्यूब प्लस 4 x स्क्वायर क्या आएगा? माइनस 6 x क्यूब ना, प्लस कितना आएगा? 49 x स्क्वायर माइनस 102 x प्लस 52। अब किससे मल्टीप्लाई करो? तो माइनस 6 x से, माइनस 6 x क्यूब प्लस 36 x स्क्वायर माइनस 24x। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा मैं? सब सही है ना? बोलो। अरे बोलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो यार? 13 से करना पड़ेगा, 78x plus 52। बाकी फैक्टर क्या हो गया? इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसका रूट भी सिंपली दिख नहीं रहा है, तो क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये कितना आएगा? माइनस 16 ना,
4 iota by 2, that is 3 plus minus 2 iota. तो बाकी रूट्स क्या क्या हो गए, 3 माइनस रूट 5, 3 प्लस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। आई बात समझ में सब लोगों को, बोलो हो गया समझ में आया, जल्दी बोलो। यस सर। कॉपी कर लो जिससे नहीं हुआ था। और इसको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कर सकते हैं। उससे क्या करोगे आप बताओ, सम ऑफ रूट्स लिख के उससे फिर क्या करोगे बताओ, मुश्किल हो जाएगा। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। बट उन दोनों का करो, दो इक्वेशन कैसे बनेंगे सर, एक तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक प्रोडक्ट के फॉर्म में और एक सम के फॉर्म में। तो बट वेरिएबल्स तो 3 होंगे ना, एक ही रूट पता है आपको, वेरिएबल तो 3 हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो दूसरा तो पता है ना, एक तो 3 प्लस रूट 5 होने के बाद। अच्छा, तो दोनों रूट लेने के बाद उसके बाद आप यूज करना चाहते हो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, हां उससे हो जाएगा, उससे बिल्कुल हो जाएगा, अगर दोनों रूट का यूज कर रहे हो तो हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल जरा ऊपर लो। हो गया, लिख लिया। अरे हो गया। हाँ सर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्या तुम लोग थके तो नहीं हो ना, थक गए क्या? नहीं सर। नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं, उसके लिए पहले रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, तो क्या इसका रूट्स आपको पता है क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू है। वो कैसे आता है ये पता है आपको? यस सर। अभी मैं रहने देता हूँ, बाद में वो बताऊंगा कैसे आता है। तो इसके रूट्स दो, अगर अल्फा बीटा रूट्स हो जाता है तो वो दोनों रूट होता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू ए, एंड दूसरा रूट होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। तो ये दोनों रूट्स हैं। तो यहाँ पे एक टर्म डेल्टा या फिर डी से डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब कभी भी डी की बात हो या डेल्टा की बात हो तो उसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। उसका मीनिंग क्या होता है? वो जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसीलिए उसे डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है। अब आप खुद ही देखो, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा? अगर ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस बी में एक बार वो टर्म ऐड हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो है तो स्क्वायर रूट भी आ जाएगा उसका, और एक बार सबट्रैक्ट हो गया। रूट्स आर
रियल एंड डिस्टिंक्ट, दिख रहा है दोनों रूट अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब वही होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अरे बोलो। नो सर। नो सर। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल। अब वो देखो ये जीरो हो गया तो दोनों रूट क्या क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाय टू ए, माइनस बी बाय टू ए। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए तो दिख रहा है कि अगर वो नेगेटिव हो गया तो फिर रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ना। और यहाँ पे उन बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए कैन नॉट बी इक्वल जीरो, वो तो समझ के ही चलना है। ऐसा मत समझना आप क्वेश्चन पूछ लेना कि ए बी सी अगर रियल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसको रियल नंबर होना ही पड़ेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें हो सकती है इसमें। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि बताओ रूट्स रैशनल कब होंगे तो क्या बोलोगे, बोलो रूट्स रैशनल कब होंगे, बोलो। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इफ एबीसी आर रैशनल तो रूट्स रैशनल कब होंगे, क्या इक्वल टू जीरो, फिर से बोलो, कुछ तो बोला था आपने। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तब तो इरेशनल भी हो सकता है ना, मैंने मान लो डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया 26, तब तो रैशनल नहीं रहा ना, रूट 26 रैशनल होता है क्या, नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल है ना, d इक्वल्स टू, एंड इफ d इक्वल्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मींस क्या हो गया, 1, 4, 9, 16, 25, 36, इसका स्क्वायर रूट हम लोग एक इंटीजर आता है, देन रूट्स आर रैशनल, इंटीजर नहीं रैशनल आता है तो रूट्स हो गया रैशनल। ठीक है अब मैं बोलूं कि बताओ रूट्स इंटीजर कब होंगे, ये कोई बताएगा रूट्स इंटीजर कब होंगे, बोलो। ये इसी के लिए ax square plus bx plus c के लिए रूट्स इंटीजर कब होगा, फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x square, मतलब फैक्टर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x square, नहीं ना कंडीशन कुछ बताना, जैसे कंडीशन एक हो गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वैसे ही ऐसा कुछ कंडीशन जैसे यहां पे हो गया डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा ही कोई कंडीशन हो सकता है कि जब रूट्स विल बी एन इंटीजर, बिल्कुल हो सकता है। देखो इफ बोलना है किसी को कुछ, ए इक्वल्स टू 1, ए का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज मल्टीपल ऑफ 2a, देन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ मल्टीपल ऑफ 2a, इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मल्टीपल ऑफ 2a, ऐसा है क्या, नहीं ना, तो कैसे बोल सकते हैं not 2a, 4a square का multiple है क्या, नहीं है। if a equals to 1 and b c are integer, इतना काफी है, and d is square of an integer, इतना काफी है, a का value 1 हो जाए, b c integer हो जाए और d एक इंटीजर का स्क्वायर हो जाए, देन रूट्स आर इंटीजर या फिर इंटीग्रल, इंटीग्रल का मीनिंग वही होता है। ठीक है तो ये नेचर ऑफ रूट्स में ये सर देखते, हाँ बोलो। ए वन क्यों सर, 1/2 होना चाहिए ना, ए नहीं है, 1/2 नहीं होना चाहिए ना, आप ही देखो, चलो बताता हूँ, माइनस बी अब क्या होगा, b एक इंटीजर है, ध्यान से देखना, a का वैल्यू 1 लेने से क्या हो जाएगा, 4ac एक इवन नंबर हो जाएगा, है कि नहीं, अगर c इंटीजर है तो ये एक इवन नंबर हो जाएगा, तो b स्क्वायर अगर b, अब b पे डिपेंड करेगा 4ac, ये c अब ऑड हो या इवन हो, 4c तो इंटीजर ही हो गया, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि b या तो ऑड होगा या फिर इवन होगा, b अगर ऑड हुआ
तो फिर ऑड माइनस इवन ऑड नंबर आएगा और बाहर भी माइनस भी ऑड था तो ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड एक इवन नंबर मिलेगा और नीचे टू से वो कैंसिल हो जाएगा और बी अगर इवन नंबर हुआ तो इवन माइनस ये ऑलरेडी इवन था एक इवन नंबर मिलेगा और माइनस बी भी इवन नंबर है तो माइनस बी में इवन ऐड करो या सबट्रैक्ट करो अगेन इवन नंबर ही मिलेगा और वो भी टू से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए उसका इंटीजर होना ही काफी है और ए का वन होना जरूरी है। आया समझ में? 1/2 से भी फुलफिल हो रहा है। हाँ, बट 1/2 की जरूरत ही नहीं है ना। अगर काम अपना 1 से चल रहा है तो 1/2 में क्यों जाना है? 1/2 से भी होगा, बट इनफ क्या है बोलना? एटलीस्ट बोलते ना, कंडीशन मतलब क्या, मिनिमम क्या होने पे ऐसा हो जाए। तो ए अगर 1 होगा तो भी चलेगा, 1/2 तक जाना ही क्यों है? वो तो 1/2 में बहुत सारे केस कर दोगे ना। एक क्वेश्चन बोलना ज्यादा सही रहेगा। हाँ बोलो। डिनोमिनेटर 1 जो हो जाता है इसलिए बस, और कुछ डिनोमिनेटर 1 हो जाता? नहीं नहीं नहीं, उतना डिनोमिनेटर 1 करना ही नहीं है। अगर ए 1 ही होता, 1/2 तक जाना ही क्यों है जब 1 में ही अपना काम हो रहा है तो, है कि नहीं, बताओ। हाँ सर बिल्कुल। चलो ये कॉपी कर लो आप। सर इंटीग्रल मतलब क्या? बोलो। इंटीग्रल मतलब, इंटीग्रल मतलब इंटीजर, रूट्स आर इंटीग्रल मतलब रूट्स आर इंटीजर, रूट्स आर ऑफ द इंटीजर फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म मतलब कि रूट्स इंटीजर है, ठीक है? बस कहीं मैंने बोलने का थोड़ा अच्छा तरीका हो गया। हो गया? हो गया ना? लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है? बोलो। ओके सर। ओके चलो, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।